फिल्म कपूर एंड सन्स सिंस 1921 के प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कुछ नाटकीय और अति भावुकता ली हुई फिल्में बनाई थी। इस फिल्म से भी करण का नाम जुड़ा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि यह एक पारिवारिक फिल्म होने के बावजूद करण की उन फिल्मों से बेहतर है। राहुल और अर्जुन भाई हैं, एक लंदन में रहता है तो दूसरा न्यू जर्सी में। दोनों उपन्यास लिखते हैं। राहुल सफल हो चुका है लेकिन अर्जुन का संघर्ष जारी है। उनके दादा को दिल का दौरा पड़ता है और दोनों भाई भारत लौटते हैं। इस परिवार में सभी के रिश्तों में तनाव है। अर्जुन को शिकायत है कि राहुल ने जो सफल उपन्यास लिखा है वो उसका आइडिया था जिसे बड़े भाई ने चुराया है। इन दोनों के माँ बाप के रिश्ते में भी कड़वाहट है। पिता की जिंदगी में कोई और महिला है। बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा है। अर्जुन को शिकायत है कि माता पिता राहुल को ज्यादा प्यार करते हैं। दादा की बीमारी के बहाने सभी साथ हैं और इस दौरान शिकवे शिकायत और गलत फहमियाँ दूर होती है। स्क्रीन प्ले इस तरह लिखा गया है कि दर्शकों का मनोरंजन लगातार होता रहता है। एक गंभीर किस्म की कहानी को हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है जिसमें लगातार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इससे दर्शकों की दिलचस्पी और उत्सुकता बनी रहती है। कपूर परिवार का हर किरदार मजेदार है और दर्शकों को कपूर परिवार में अपना ही परिवार नजर आता है। फिल्म का पहला हाफ मौज मस्ती से भरा हुआ है जो आपको हंसाता है। दूसरे हाफ में कहानी गंभीर मोड़ लेती है और यह हिस्सा थोड़ा लंबा लगता है। हालांकि कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको भावुक कर देते हैं। इन्हें कीड़े निकालने से पहले व्हाट डिड यू ट्राई टू सेव योर ओन ब्लडी मैरिज। फिल्म को शकुन बत्रा ने निर्देशित किया है। पारिवारिक फिल्मों की कहानी लगभग एक जैसी होती है, लेकिन शकुन की इस बात के लिए तारीफ करना होगी कि उन्होंने फिल्म को गैर जरूरी भावुकता और गंभीरता से बचाए रखा है। साथ ही उनका निर्देशन इस पुरानी कहानी में भी ताजगी भर देता है। उन्होंने फिल्म को यूथफुल लुक देते हुए हास्य इमोशन और ड्रामे का संतुलन बनाए रखा है। दूसरे हाफ में जरूर वे कुछ सीन कम कर सकते थे। कलाकारों से उन्होंने बेहतरीन अभिनय लिया है। ऋषि कपूर का मेकअप जरूर अटपटा लग सकता है, लेकिन एक जिंदा दिल बूढ़े के रूप में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। क्या मुझे नंगा देखना चाहती है? कपूर फैमिली का आलिया भट्ट हिस्सा नहीं है, लेकिन उनका ट्रैक कहानी में अच्छी तरह से पिरोया गया है। आलिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अभिनय किया है। अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में जब वे सिद्धार्थ को बताती हैं, तो उस सीन में उनकी एक्टिंग देखने लायक है। एंग्री यंग मैन के किरदार सिद्धार्थ पर जमते हैं। उन्हें इसी तरह का कैरेक्टर यहाँ भी मिला है, लेकिन उनकी एक्टिंग एवरेज रही है। सिद्धार्थ पर फवाद खान भारी पड़े हैं। एक परफेक्ट बेटे के किरदार को जरूरी स्टाइल और एटीट्यूड उन्होंने दिया है। रत्ना पाठक शाह और रजत कपूर की गिनती बेहतरीन कलाकारों में होती है और यहाँ भी उन्होंने अपना काम खूब किया है। फिल्म के संवाद बढ़िया है, संगीत अच्छा है और बैकग्राउंड में बजने वाले गाने कहानी को धार देते हैं। कपूर एंड सन्स में इमोशन कॉमेडी और ड्रामे का मिश्रण बढ़िया तरीके से किया गया है। फिल्म आपका मनोरंजन करती है और कपूर परिवार की हरकतें देखी जा सकती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।